नमस्कार, जय जगन्नाथ। दीपल किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मुझे आपण मानक आम ओडिशार पारंपरिक खाद्य गोटे चितौ पिठार रेसीपी नहीं आकि खायापी बहुत टेस्टी आउ बहुत नरम। एहा श्रावण मासरे चितालागी अमावास्या दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पाखरे मध्य भोग लागी करा जाए। आउ ए पिठाटी आम ओडिशार घरे घरे परिचित। तो जदि आपणको मोर ए पिठार रेसीपीटी भल लागिबो लाइक शेयर करिया जमार ही भूलिबेनि। जदि चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब करिबे, पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करले मोर आगुकु आसुथिया नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा आजर रेसीपी। एठी मु पिठा चाउल राति सारा पानी रे भिजेक रखिथिली, जहा को एबे मु भल हबरे क्लीन करके नै छी। आ एक ग्लास रे मु दो ग्लास चाउल नै छी। आपण चाहिले जे कोनोसे अरो चाउल मध्ये नै परिबे। तो एठी मु नडिया कोरा मध्ये से सेम ग्लास रे दो ग्लास नै छी। आपण जेतिकी परिमाण रो चाउल नेबे सेतिकी परिमाण रो नडिया नेबे, जहा द्वारा कि आम पिठाटी बहुत टेस्टी हबो आउ नरम मध्ये हबो। एबे से चाउल रु भल भाबरे पानी को काढ़ी नै जाइछि आउ से नडिया कोरा को चाउल रे आमे मिसै नबा। जेमती कि आम बैटर रे ए नडिया रो फ्लेवर टी आसी जिवो। एबे आमे गोटे ग्राइंडिंग जार नबा। से नडिया आउ चाउल रो जो मिश्रण टी को आमे से ग्राइंडिंग जार रे पकेबा। आउ टिके पानी देकी ताको भल भाबरे पेस्ट करनबा। खदड़ करिबेनी, पूरा फाइन पेस्ट करिबे। एबे देखंतु हमर बैटर रेडी हे गलानी। ए बैटर को आमे गोटे पात्र को काढ़ी नै जिबा। बैटर टी आमर जेतिकी पानी होछि सेतिकी ही जथेष्ट, अधिक पानी करिबेनी कि अधिक गार मध्य करिबेनी। एबे आमे ताको भल भाबरे गोळै नबा। एमती गोटे डिरेक्शन ही गोलेगा जमीक आम बैटर टी भल भाव फुल। तो ये आम कभर करदे आारु पांच घंटा रखीद फर्मेटेशन ए पांच घंटा हो गला। आम कभर टी का देखूँ बैटर टी कमी फुल जाए। कमे टी भल भाव गोल एठी मु स्वाद अनुसार लुण मध्य पकाई दौछि। आउ एठी चीनी मध्य मु डेढ़ चम्मच पकाई दौछि। नड़िया तो एमती मीठा थाए तो यार स्वीटनेस को आउ टिके बढ़िया पाई मु एठी चीनी मध्य पकाई दौछि। चीनी ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले मध्य पकाई पारिबे न पकाई पारिबे। तो लुण आउ चीनी पकाई सैला पर एमती टिके भल भाबरे ताको गोळै नबा। एबे हमर बैटर संपूर्ण भाव रेडी होगला पिठा करिया पाई। एठी गैस ऑन करके गोटे कढ़ाई बसई देबा। कढ़ाई गरम होगला एमती गहिरिया कढ़ाई नेबे जहाद्वर कि पिठा बहुत भल हम। ये मु गोटे चम्मच तेल को ग्रेस कर दूसरी। एबे से बैटर को आम दुई टंकी बैटर पकईदे कढ़ाई। बैटर पकई सारापर ही आम गोटे छोट घोड़ी घोड़े दबा। ये देखते मुझे जी जो छोट घोड़ी पकई से अनुसार ही छोट घोड़ी पकेबे। आई पा छिटी दौर से घोड़ी कर पकड़े। आपको आम चार पाँच मिनट पर लो मीडियम फ्लेम छाड़ीदे। पाँच मिनट हो गला घोड़ी काढ़ी देखिए आम पिठा हो गला कि नहीं। ये चारिपटर आम से पिठा करने साहय चारिपट पिठार एमती छड़ेगा। पिठा ऑलरेडी हो गला। एबे आम आउ गोटे पात्र को काढ़ी दबा। देखो कते सुंदर पिठा होती। से भाव में आम द्वितीय पिठाटी करदे तेल पकईवा।
ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଟରକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କି ପକାଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ପୁଣି ଏମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, ପାଣି ବେଶୀ ପକାଇବେନି। ଆଉ ତାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଆମ ପିଠା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପଟରୁ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସେ ପିଠାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ପିଠାଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଫ୍ଲଫି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବା ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖିବାନି, କାରଣ ପିଠାର ଉପର ସ୍କିନ୍ଟା ବହୁତ ପତଳା ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିଥିବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଖାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଡାଲମା କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି।